में डबल इंजन की सरकार फिर से बन गई है, बिहार के विकास को पंख लगेंगे। अच्छा ये बताइए कि डिप्टी सीएम कौन बनेगा? आधे घंटे में सब जानकारी हो जाएगी, आधे घंटे में सब क्लियर। क्या लगता है डिप्टी सीएम कौन होंगे? एनडीए की बैठक के बाद ही आप लोगों को सारी बातें बताई जाएंगी। निश्चित रूप से हमारी पार्टी का जो डिसीजन है सर्वोपरि होता है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए बिहार में काफी गहमा गहमी चल रही थी, लगातार यही सवाल पूछा जा रहा था कि क्या महागठबंधन सरकार में सब ऑल इज वेल नहीं है, और आज सवाल का जवाब सभी को मिल गया है। सबको पता चल गया है कि महागठबंधन सरकार में सब ऑल इज वेल नहीं चल रहा था, जिसके बाद आपने देखा कि सुबह सुबह ही नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। देखिए इस्तीफा देते ही नीतीश कुमार ने मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की, और आपको बता दें, बड़ी खबर बता दें कि जैसे ही नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया वैसे ही सीएम आवास पहुंचने लगे बीजेपी के तमाम विधायक। देखिए विधायकों से भी हमने बातचीत की है, क्योंकि आपको मालूम है कि अब भी एक सवाल पर सस्पेंस बरकरार है। सवाल ये है कि अगर मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार होंगे, लेकिन सवाल यह है कि आखिर डिप्टी सीएम होगा तो होगा कौन। देखिए इसको लेकर हमने भी उनसे जानने की कोशिश की है कि आखिर डिप्टी सीएम कौन होगा, तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है, और जरा आप ये भी देखिए कि उनके चेहरे की खुशी कुछ और ही बयान कर रही है। तो सबसे पहले आप सुनिए क्या कुछ बताया है इन विधायकों ने। क्या तय हुआ, क्यों टूटा गठबंधन? वैसे मैं डबल इंजन की सरकार फिर से बन गई है, बिहार के विकास को पंख लगेंगे। पंख लगेंगे, डिप्टी सीएम कौन होगा? अभी तय होगा ना, अभी बताया जाएगा आपको। लेकिन नाम चल रहा है सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी जी भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए हैं, और विजय कुमार सिन्हा जी उप नेता चुने गए। लेकिन नड्डा जी ने कहा था इस बार कंधे पे किसी को नहीं बैठाना है, तो नई सरकार बन गई है। धन्यवाद, आपको भी मुबारक, आपकी भी सरकार बनी है। अच्छा ये बताइए कि अचानक से ऐसा क्या हो गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी से भूल हुई होगी जी। और महागठबंधन के साथ जो गए थे भ्रष्टाचारियों के साथ, आज वहाँ से छूट के आ गए हैं। अच्छा। स्वागत कर रहे हैं। खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं, कंटिन्यू पूरे बिहार स्वागत कर रहा है। अच्छा ये बताइए कि डिप्टी सीएम कौन बनेगा? आधे घंटे में सब जानकारी हो जाएगी, आधे घंटे में सब क्लियर। हाँ, सबसे पहले तो ये बताइए श्रेयसी जी कि क्या हो रहा है, नई सरकार बन गई, एनडीए की बैठक में सब लोग जा रहे हैं एक साथ, कुछ ही देर में एनडीए की बैठक शुरू होने वाली है। निश्चित रूप से जो निर्णय लिया जाएगा वो सभी मीडिया के भाई बंधुओं के बीच में। क्या लगता है डिप्टी सीएम कौन होंगे? एनडीए की बैठक के बाद ही आप लोगों को सारी बातें बताई जाएंगी, जैसे ही एनडीए की बैठक होगी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब लोगों को ये बात बताएंगे। सिन्हा को डिप्टी सीएम के? हाँ निश्चित रूप से हमारी पार्टी का जो डिसीजन है सर्वोपरि होता है, और सर्वोपरि है। मंत्री लोग का कब होगा पता नहीं, उसके बारे में नहीं, अभी तो नेता चुने जाएंगे उसके बाद देखा जाएगा। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है, इनकी चेहरे की स्माइल ही ये गवाही दे रही है कि सरकार बदलने से कितना खुश हैं बीजेपी के ये तमाम नेता। आपको बता दें कि अभी अभी नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने गए हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि इस्तीफा तो नीतीश कुमार ने दे दिया है, और अभी अभी सम्राट चौधरी भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, सबके साथ नीतीश कुमार समर्थन पत्र लेकर सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के सामने पेश करेंगे। यानी कि अब बिहार में महागठबंधन की नहीं, बल्कि अब बिहार में दोबारा एनडीए की सरकार ही होगी। और देखिए हमने आपको बताया है, गहमा गहमी भी लगातार आपको ग्राउंड से लाइव सिटीज दिखा रहा है, तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।